So hello everyone and welcome back to the channel. So today I'm going to talk about how to trade patterns. अब patterns को proper तरीके से कैसे trade करना है इस बारे में आज हम proper detail में बात करने वाले हैं. Recently मैंने काफ़ी लोग के जो questions देखे जो WhatsApp पे Telegram पे messages आते हैं और लोग अपने swing trade ideas को share करते हो, वो करते क्या है कि डायरेक्ट उन्होंने पैटर्न ड्रॉ किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया और फिर मुझे शेयर कर देते हैं कि क्या ये पैटर्न सही है. तो आज मैं आप लोग को प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी बिफोर टेकिंग द ट्रेड. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस टूटा और आपने एंट्री बना ली. दैट्स नॉट द राइट वे. ठीक है, तो बेसिक्स से सीखेंगे कि कैसे आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स को ट्रेड करना है इन प्रॉपर मैनर. तो स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊंगा और उसके पहले कुछ चीज़ें मैं ये बता देता हूँ. एंड वी आर कंडक्टिंग अ लाइव वेबिनार ऑन 2nd of August, शाम को 7 बजे वेबिनार है. तो जिसको इंटरेस्ट है, लाइक जिसको सीखना है प्रॉपर लाइव स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो वो उस वेबिनार को कंडक्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी और आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. रीजन ये है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक जरूर देख के जाइएगा ट्रेडर्स. दैट्स इट. तो चलिए ट्रेडर्स, अभी हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कैसे ट्रेडिंग पैटर्न्स को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं. ठीक है, अब इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पैटर्न्स बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कैसे आप उनको ट्रेड करोगे. ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि काफ़ी लोग के किस तरीके से ट्रेड करते थे या फिर जब मैं भी बिगनर था तो मैं कैसे ट्रेड करता था. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक फॉलिंग वेज का मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और इस मोमेंटम अगर मान लो ये बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर मैं एंट्री बना लेता था. ठीक है, मैं बस ये चीज़ें देखता था और यहाँ पे ये देख लेता था कि वॉल्यूम्स कैसी क्या है. बस मैंने वॉल्यूम्स चेक की, मैंने एंट्री यहाँ पे बना ली, दैट्स इट. इसके अलावा मैं कोई और भी चीज़ें चेक नहीं करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, कई बार मेरा स्विंग ट्रेड फेल हो जाता था. फिर मुझे ये क्वेश्चन आता था कि मैंने सब कुछ तो फॉलो किया, पैटर्न प्रॉपर तरीके से लिया, मैंने वॉल्यूम्स चेक की, उसके बाद भी मेरा क्यों फेल हो गया. तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो. ठीक है, ट्रेडिंग पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको पूरे बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेडिंग पैटर्न्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए, सो यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न्स की लिस्ट मैंने लगा रखी है, जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो सभी इन्हीं में कवर हो जाते हैं. अब इसमें होता है डबल टॉप होता है, हेड एंड शोल्डर्स होता है, राइजिंग वेज है, डबल बॉटम है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, फॉलिंग वेज है और इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. अब पर्टिकुलर मैं कौन से ट्रेडिंग पैटर्न्स को ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ. तो मैं बुलिश पेनेंट पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ये पैटर्न्स मैं ट्रेड करता हूँ जब मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी रहती है. ठीक है, लॉन्ग पोजीशन मतलब जब मैं बाइंग साइड के लिए जाता हूँ तो इन पैटर्न्स को मैं यूज़ करता हूँ. लेकिन जब मुझे शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अब शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, मतलब जब आप सेलिंग साइड के लिए जा रहे हो, जब आप सेलिंग साइड के लिए मान लो मार्केट बियरिश हो रहा है तो उस टाइम पे तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे नहीं, तो उस टाइम पे भी मेरी जो मेन पैटर्न्स रहते हैं दैट इज़ राइजिंग वेज एंड बियरिश रेक्टेंगल, दैट्स इट. इसके अलावा मैं और ट्रेडिंग पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ. तो ये मैंने पैटर्न्स आपको बता दिए हैं, इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको यहाँ पे अभी चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप स्विंग ट्रेड स्टॉक में पैटर्न के थ्रू एंटर कर रहे हो. तो ठीक है, तो पॉइंट्स ऐसे जब आप पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर रहे हो, तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा कि आप पहले ये चेक कर लो कि उस पर कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है. ठीक है, पहले आपको ट्रेडिंग पैटर्न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है. फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, बुलिश रेक्टेंगल है, जो भी पैटर्न है तो वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन उसकी हो गई है या फिर नहीं हो गई है. ठीक है, पोल एंड फ्लैग है, जो भी पैटर्न है तो प्रॉपर तरीके से पहले कन्फर्मेशन लो कि वो ट्रेडिंग पैटर्न प्रॉपर तरीके से बन गया है कि नहीं. फिर सेकेंड चीज़ आपको ये देखनी है जब भी आप पैटर्न इस पैटर्न्स पर ट्रेड कर रहे हो कि जिस भी पर्टिकुलर आपने इंडेक्स का स्टॉक लिया है, फॉर एग्जांपल आपने मेटल सेक्टर का स्टॉक लिया है या फिर आपने आईटी सेक्टर का स्टॉक लिया है, तो आप ये चेक करो कि उस कंपनी के, उस इंडेक्स के बाकी सारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप आईटी में ले रहे हो तो निफ्टी आईटी या फिर निफ्टी मेटल, तो जो भी आप पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड आपको लेना है टीसीएस में, स्विंग ट्रेड आपको लेना है,
तो आप जाके सबसे पहले चेक करो कि निफ्टी आईटी में कैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और निफ्टी आईटी में चेक करने के बाद आप ये देखो कि उस कंपनी के स्टॉक्स जैसे एचसीएल टेक है, विप्रो है, तो ये सभी कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, इन पे कैसा क्या पैटर्न बन रहा है, ये भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लो, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था हमारा ट्रेडिंग पैटर्न्स, तो इसको पहले मैं एक एक स्लाइड पे कवर कर दूंगा, ट्रेडिंग पैटर्न, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ से एक फॉलिंग वेज पैटर्न का एग्जांपल है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ इस प्रकार से कैंडल बन रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इस पॉइंट पे एंट्री नहीं करना है, आपको प्रॉपर वेट करना है कि वो यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो ये आपका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप डब्लू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, तो आप ये चेक करो कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वो ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई लोग क्या करते हैं, डब्लू पैटर्न सोच के यहाँ पे एंट्री ले लेंगे कि चलो ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है वापस चला जाए, हो सकता है ये इस तरीके से और नीचे फॉल कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर कर लो कि ट्रेडिंग पैटर्न आपका क्लियर कट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया कि आप स्टॉक्स का जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स का इंडेक्स चेक करो, ठीक है, स्टॉक्स इंडेक्स। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आप आईटीसी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप जाके देखो कि निफ्टी एफएमसीजी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा निफ्टी एफएमसीजी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, बुलिश है, बियरिश है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद आप ये देखो एचयूएल कैसा कर रहा है, फिर आप ये देखो कि डाबर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स को भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर ओवरऑल आप देखोगे, अगर आपको देखेगा कि आईटीसी अच्छे बुलिश ट्रेंड पे है लेकिन निफ्टी आईटी डाउन ट्रेंड पे है, एचयूएल डाउन ट्रेंड पे है, साइडवेज में है डाबर, तो फिर आपको ये ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस हैं कि ये फेल हो सकता है। दैट्स वाई प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर स्टॉक के आपको इंडेक्स को चेक करना है और फिर उसके जो लीडर स्टॉक्स हैं उनको भी आपको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, दैट इज़ वॉल्यूम्स। अब काफ़ी लोग वॉल्यूम्स को नहीं देखते हैं, अभी मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा लेकिन पहले मैं पॉइंट्स लिख के समझा देता हूं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ डबल टॉप, और यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब जो नीचे वॉल्यूम्स है, अब मान लो वॉल्यूम्स यहाँ पे सेलिंग के लिए, मान लो यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स ज़्यादा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बन रही हैं और उनके सामने रेड कैंडल्स बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए? यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आप सेलिंग साइड के लिए प्लान कर रहे हो और यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हैं, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही है, चांसेस हैं कि ये रिवर्स यहाँ से कर सकता है। दैट्स वाई अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम्स भी प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है। मैं वन बाय वन आपको अभी चार्ट पे शो करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट कि आपको वॉल्यूम्स का प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि वॉल्यूम्स प्रॉपर तरीके से उस ट्रेड में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। नाउ आपको देखना है फोर्थ पॉइंट है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन आप लेने जा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप लॉन्ग पोजीशन लेने जा रहे हो, आप बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो। अब आप जो बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो तो क्या उसमें ट्रेंड बाइंग साइड का ही है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का है? हो सकता है कि वो स्टॉक पिछले कुछ वीक से इस तरीके से ट्रेंड कर रहा हो और फिर यहाँ से इस तरीके से मोमेंटम है, मान लो ये ब्रेकआउट यहाँ से दे रहा है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे? तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकती है, लेकिन जो आपका ट्रेड का रिजल्ट रहेगा वो 50-50 रहेगा। 50% चांस रहेंगे आपके स्टॉप लॉस के, 50% चांस रहेंगे आपके टारगेट के। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो पैटर्न को प्रॉपर चेक करो। अगर बाइंग साइड हो तो ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए, सेलिंग साइड हो तो ट्रेंड डाउन साइड होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेंड भी प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लेना। कुछ ये मेजर पॉइंट्स थे जो सिंपल से आपको चेक करने हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स पे आके। तो सबसे पहले आपने देखा, अब यहाँ पे ये बजाज फिनसर्व का ट्रेड है, वन वीक टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद यहाँ से एक ये काइंड ऑफ अ डब्लू पैटर्न,
ठीक है, फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ से एक सपोर्ट भी है। तो अब इसको आप दो तीन नाम दे सकते हो पैटर्न को, आप चाहो तो इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल दे दो या फिर आप डबल सॉरी बॉटम पैटर्न भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो ये पॉइंट अच्छा क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, मतलब अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है, तो हम बाइंग साइड के लिए बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर के बाकी स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं और एग्जांपल्स पे देखूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपको कवर कर लेना है कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर के बाकी स्टॉक्स कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपको देखनी है वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स क्या होती है, तो आप इंडिकेटर्स पे जाके, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, तो आप इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम सर्च करोगे, आपका ये ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जूम कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कुछ वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, अभी इस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है। क्यों नहीं बन रहा है ट्रेड, क्योंकि वॉल्यूम्स में आप देखो तो मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, मतलब ना यहाँ पे बाइंग है ना यहाँ पे सेलिंग है। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं ये रिटेलर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। ये किसकी बाइंग एंड सेलिंग है, ये रिटेलर्स की है। यहाँ पे ना FIIs हैं और ना ही यहाँ पे DIIs हैं, मतलब यहाँ पे आप ट्रेड अभी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। अगर जब इसमें कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रही हैं, यहाँ दिख रही हैं, यहाँ दिख रही हैं, अब आप देखो इस पॉइंट पे आके आप देखो, जब यहाँ पे इतनी हैवी कैंडल्स बनी, मतलब यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये हैवी बाइंग हुई है तो आप खुद देखो कि ट्रेंड कैसा यहाँ पे बन के गया है। उसके बाद से आप खुद देखो कि उसके बाद से साइडवेज में फॉल किया, फिर यहाँ पे बाइंग आई है जब यहाँ से ऊपर का मोमेंटम आया, फिर देखो साइडवेज में है तो ये बस साइडवेज में ही फंस गया। तो दैट्स वाई वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, जब आप एंट्री बनाओगे, तो चेक करना कि यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कैंडल्स होनी चाहिए, ग्रीन ग्रीन की बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए जाओगे। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी क्लियर कर लेना। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप ट्रेंड चेक कैसे करोगे कि ये प्रॉपर तरीके से पैटर्न सही है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना है फिबोनाची, फिबो रिट्रेसमेंट। अब फिबो रिट्रेसमेंट को आपको ट्रेंड से लगाना है, मतलब इसमें जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो देखो यहाँ से बिल्कुल बॉटम से लेके बिल्कुल टॉप तक, ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक हमने क्या किया फिबो को, ये था हमारा बॉटम पॉइंट। ठीक है, ये क्या था, बॉटम मतलब सबसे लो, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा विजिबल होगा। यहाँ से हमने बॉटम से क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से देखो फॉल किया, साइडवेज में चला, फिर यहाँ से ये रैली स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब ये इसका बॉटम पॉइंट हो गया। फिर इसका हाई पॉइंट कौन सा है, ये इसके आगे नहीं है कुछ भी, तो बॉटम से लेके हाई तक हमने फिबो मार्क किया। अब हमें दो लेवल्स यहाँ पे चेक करनी है, सबसे पहली लेवल है 0.5, दूसरी लेवल है 0.6। अब ये जो ग्रीन लाइन है और एक और जिसके नीचे की ग्रीन लाइन है, हमेशा याद रखना जब भी आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर लाइन से जब रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो ट्रेंड से रिट्रेसमेंट आ रहा है, वो 0.5 या फिर 0.6 के बीच में से, या फिर इसके 0.6 के बिल्कुल सरफेस लेवल से रिट्रेस कर जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये ट्रेड आता है और इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो मैं इस पर एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये फिर एक प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये एक रॉन्ग पैटर्न है। 0.5 और 0.6 रिट्रेसमेंट लेवल से इसको पहले ही निकलना चाहिए। अगर ये बाद में निकला तो इसका मतलब ये ट्रेड गलत है, फेक ट्रेड ये कहलाएगा, और इसके चांसेस ये हैं कि आपका SL हिट करके जाएगा। अब 10 में से 8 बार तो SL हिट करेगा, हो सकता है 2 बार टारगेट्स भी हिट कर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि यार नहीं नहीं ये गलत है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना है, तो आपको सेम पैटर्न, सेम जो है सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ठीक है, वॉच लिस्ट पर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टाटा स्टील में, JSW स्टील में ले लेता हूँ। ठीक है, JSW स्टील है। अब ये टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, देखो आप इसको जो मैंने बताया फीबो वाला, डेली पे भी यूज़ कर सकते हो, वीकली पे भी यूज़ कर सकते हो, मंथली पे भी, ठीक है, इवन 1 आवर पे भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से आपने एक फिर एक पैटर्न देखा,
ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, बहुत क्लियर मोमेंटम आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर पैटर्न है। यहाँ से मोमेंटम आया, स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम गया, फिर अभी थोड़ा सा साइडवेज में स्टक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग जोन आ रहा है, तो हमने क्या देखा, बाइंग जोन यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे कैंडल्स आपको दिख रही होंगी ट्रेडर्स, यहाँ पे तो आप कैंडल्स देखो, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स थी तो मोमेंटम आ गया। अब जब आप बाइंग साइड पे जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आप चेक करो कि वॉल्यूम्स की कैंडल अच्छी है या फिर नहीं है। अगर कैंडल अच्छी साइज़ में बड़ी है तो मतलब वो परफॉर्म करेगा, और अगर साइज़ में छोटी है कैंडल तो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, और चीज़ें आपको क्या देखनी है, अब ये JSW स्टील स्टॉक है, JSW स्टील, तो आपको क्या क्या चेक करना है, और आपको निफ्टी मेटल का चार्ट चेक करना है, आपको फिर टाटा स्टील का चार्ट चेक करना है, और जो भी इसके लाइक अब आप चाहो तो फॉर एग्जांपल टाटा स्टील आपने देख लिया, और इसके बाद जैसे नालको आप देख लेना, ठीक है, आप वेदांता देख लेना, तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे जो है चार्ट्स को चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के बाकी स्टॉक्स यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब जैसे यहाँ पे अभी हम कौन सा देख लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी मेटल को देख लेते हैं, तो हम सर्च करेंगे यहाँ से निफ्टी मेटल, ये क्या है, ये इंडेक्स है, हम निफ्टी मेटल में बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ये इंडेक्स है, ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स है, तो मैं ट्रेंड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ट्रेंड काफ़ी अच्छा बन रहा है, और यहाँ से भी एक काइंड ऑफ अ डब्लू पैटर्न बन के ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब यहाँ से हम बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। अब हम यहाँ से और क्या चेक कर लेंगे कि इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक देख लेंगे, जैसे हम टाटा स्टील देख लेते हैं, तो टाटा स्टील पर भी ब्रेकआउट जोन पर ये खड़ा हुआ है, कैसे, ये देखो यहाँ से ये सपोर्ट जोन हो गया, ये मोमेंटम, और ये अभी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब टाटा स्टील भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करती हैं चीज़ें, कि हम यहाँ से JSW में भी एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं हम एंट्री, क्योंकि निफ्टी मेटल उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों अच्छे खासे बाइंग लेवल के आसपास आ रहे हैं, ट्रेंड में पॉजिटिव तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब आपको फिर क्या करना है, फीबो लेना है, बॉटम से लेके आपको टॉप तक मार्क कर लेना है, ठीक है। बॉटम ये था इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड का स्टार्ट हुआ था, तो ये हो जाएगा बॉटम, और ये हो जाएगा इसका टॉप लेवल, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी टॉप लेवल। तो अब हमने फीबो लगाया, तो 0.5 की लेवल ये है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी 0.6 की लेवल ये है, ठीक है। इसके पहले इसको रिट्रेस करना चाहिए, तो बिल्कुल ये कर गया, मतलब ये ट्रेड बिल्कुल करेक्ट है। इसके कितना भी ऊपर ये निकल जाए, पहले ही रिट्रेसमेंट कर ले, आप बिल्कुल इसके लिए बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से नीचे आके रिट्रेस करता, तो मतलब ये ट्रेड वैलिड यहाँ पे नहीं है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको कोई डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कोई पर्टिकुलर, जैसे SBI है वीकली टाइम फ्रेम पे था, अब मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा है स्टॉक, SBI है, मैंने आप लोग को स्विंग जो चैलेंज था उसमें दिया भी था, अभी भी होल्डिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा परफॉर्म करने में। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ठीक है, ये वीकली के हिसाब से कैंडल है, इसलिए नहीं तो कैंडल्स की हमेशा क्लोजिंग को टच करना रहता है, ठीक है। हमने क्या देखा, एक अच्छा मोमेंटम आया और उसके बाद ये साइडवेज में ट्रैवल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो क्या हम इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए, वॉल्यूम्स अच्छी है, हम जा सकते हैं। बाकी स्टॉक्स को आप चेक करोगे, HDFC बैंक को चेक करोगे, आप एक्सिस को चेक करोगे, आप ICICI को चेक करोगे, उनका कैसा क्या ट्रेंड है, तभी आप इसमें एंट्री बनाओगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे फीबो फ्रॉम द बॉटम टू द वेरी टॉप, ये हो गया इसका बॉटम और ये हो गया यहाँ पे टॉप। अब ये जो रिट्रेसमेंट है इसका आप देखो, तो 0.6 की लेवल ये है, 0.5 की लेवल ये है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ये 0.6 से ही रिट्रेस कर रहा था, तो इसका मतलब ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है, इसी वजह से मैंने इसमें एंट्री ली थी। अगर मान लो ये रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से होता 0.6 के और नीचे से, तो मैं ये ट्रेड यहाँ पे नहीं लेता ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई आज कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से फिबोनाची का यूज़ करके ट्रेंड देखना है, वॉल्यूम्स देखनी है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के सेक्टर्स को देखना है आपको, लाइक इंडेक्स को देखना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लीडर्स को चेक करना है, तभी आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, दैट इज़ TVS मोटर्स। तो TVS मोटर्स का भी जो बहुत अच्छा ट्रेड था, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेड था, बहुत टाइम पहले की बात है ये,
अब यहाँ पे ये ट्रेड था एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न बनना था, ये ट्रेंड था फॉलिंग वेज पैटर्न और ये ब्रेकआउट देके यहाँ से निकल गया। तो अब पता कैसे करेंगे इस पे प्रॉपर तरीके से, तो मैं फीबो को फिर से दिखा देता हूँ। बॉटम यहाँ से, बॉटम से लेके हमने ये टॉप तक इसके लगा दिया। बॉटम ये हो गया जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, फिर इसके बाद एक मिनट, हाँ बॉटम ये हो गया, टॉप ये हो गया, अपसाइड मोमेंटम फिर साइडवेज में ट्रेवल करके यहाँ से ही निकल गया। 0.5 और 0.6 बहुत नीचे है, मतलब ये ट्रेड बिल्कुल वैलिड है, हम इस पर बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं, मतलब हम इस पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप ट्रेडर्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि कैसे जब भी आप पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड में स्टॉक में ट्रेड करने जाते हो तो आपको कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपके ट्रेड्स 90% तक सही जाने लगेंगे अगर आप इन पॉइंट्स पे, सिंपल से ये पॉइंट्स हैं, अगर इन पे आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दोगे तो, ठीक है। बाकी ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा, चैनल पे बने रहिएगा। और भी जो स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। वैसे 2 अगस्त को स्विंग ट्रेडिंग का लाइव वेबिनार है जूम पे, जहाँ पे मैं लाइव कंडक्ट करूँगा और बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, 200 DMA स्ट्रेटजी, फीबो स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो 2 अगस्त को वेबिनार ज्वाइन ज़रूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी। और ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैसिव इनकम से, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।